हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे। हाँ जी, मैं सीएपीएस मैनुअल मेंटर ऑफ एफए एफआर एंड एसबीआर एट लर्न 99 प्लेटफॉर्म आप सबका आज की वीडियो में वेलकम करता हूं। और आज मैं आप लोगों को यशिका से मिलवाऊंगा, जिन्होंने इस बार एफआर के एग्जाम में 74 मार्क्स स्कोर किए हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी रेलिवेंट है, आपने वीडियो को लाइक करना है, अपने सब दोस्तों के साथ शेयर करना है। और एक बात और, लर्न 91 पे अभी इस टाइम पे जितने भी हमारे कोर्सेज है सब पे सेल ऑन है, प्राइस हमने रिड्यूस कर रखे हैं, अलग से कोई भी आप लोगों को कूपन कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है। आइए बात करते हैं यशिका से। वेलकम यशिका, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बेटा मैं बहुत बढ़िया और बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चों का अच्छा रिजल्ट आया है। यशिका, मेरे ना कुछ क्वेश्चन रहेंगे। आपने एफआर की तैयारी कब से स्टार्ट की, कैसे तैयारी की, कैसे आपने पेपर अटेम्प्ट किया, कौन कौन सी ऐसी बातें थी जो स्टूडेंट को फॉलो करनी चाहिए, बट उन सबसे पहले ना अपना एक बार बेटा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना। हेलो सर, आई एम यशिका गुप्ता, आई एम फ्रॉम यूपी बिजनौर। I am currently preparing for ACCA state level exams. I have completed my BCom and I have shifted from CA to ACCA. Recently, I have scored 74 numbers in FR. Before this, I have given AA examination in which I scored 71 numbers. My five exams were accepted in ACCA. यशिका, पहला क्वेश्चन, आपने FR की तैयारी कब से स्टार्ट की थी? सर, मैंने एफआर की तैयारी शुरू करी थी लास्ट वीक ऑफ अप्रैल से। ओके, और जून में आपने एग्जाम दिए, राइट? यस सर। यशिका, आप टोटल कितने घंटे पढ़ते थे? सर, टू बी वेरी फेयर विद यू, आई वाज नॉट दैट कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन पर्सन। आई हैव स्ट्रगल्ड विद माय स्टडीज इन लास्ट टू इयर्स, सो मैं कोशिश करती थी ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की, और मैं लगभग 5 से 6 घंटे का आउटपुट निकाल लेती थी डेली। 5 से 6 घंटे बेटा बहुत होते हैं एक पेपर के लिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें, मतलब डेली निकाल लेते थे ना वो? हाँ जी सर। ओके ओके ओके। यशिका, आपने एफआर का कितनी बार रिवीजन किया? सर, मैं ना ऐसे नहीं बोल सकती कि मैंने कितनी बार रिवीजन किया। ओके। मेरा ऐसा रहता है कि मैं जब पहली बार क्लास लेती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा इन डेप्थ उसकी पढ़ाई करती हूँ। मतलब अगर मैंने 1 घंटे की क्लास ली है तो मुझे कम से कम नहीं तो 1 या 1.5 आ चाहिए रिवीजन के लिए, जहाँ पे मैं बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ उस चीज को समझने की कोशिश करूंगी। तो मेरा जो फर्स्ट टाइम होता है, जो फर्स्ट आपका वीडियो देखने के साथ, लेक्चर देखने के साथ का टाइम होता है, वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। एंड देन सेकेंड जो होता है वो बहुत कम होता है, जो रिविजन पार्ट होता है, बिकॉज मैंने काफी अच्छे से पढ़ लिया होता है। लेकिन यशिका, उसको भी तो हम रिवीजन में कंसीडर करेंगे जो आपने क्लास के बाद रिवाइज किया है। तो आप बोल सकते हो ऐसे 2 टाइम रिवाइज करा है। ओके, तो उसे 3 टाइम, टोटल 3 टाइम ना, 3 टाइम्स ना। यशिका, जैसे मैं क्लास में हमेशा बोलता हूँ कि एक बार जैसे आप क्लास कंप्लीट करते ना तो नेक्स्ट क्लास की तरफ मत भागो, पहले आप उसे रिवाइज करो, और जो मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिए उन क्वेश्चनों करो, और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास अटेंड करने से पहले लास्ट क्लास को रिवाइज करो। आप सेम प्रोसीजर फॉलो करते थे या कोई डिफरेंट प्रोसीजर था आपका? यस सर, ये तो मतलब मेरे लिए तो बहुत जरूरी था, बिकॉज मैं जब तक कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझ सकती मैं आगे नहीं बढ़ सकती। फॉर मी इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन डेप्थ द कॉन्सेप्ट्स। ओके ओके, मैं तो अपना टाइम लगा। यशिका, जैसे आपने क्लासें देखी तो क्लास को लेके आपका क्या फीडबैक है, और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे थे या नहीं हो रहे थे? सर, कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी तो 100% थी। ओके ओके ओके। और जो मैं क्लास में क्वेश्चन कराता था वो क्वेश्चन आप साथ साथ करते थे? यस सर, मैं साथ साथ करती थी, आप करवा देते थे, उसके बाद भी एक बार खुद से ट्राई करती थी, सॉल्व करके देखते थे, राइट? यस। यशिका, एक बात बताना, एग्जाम में कोई भी ऐसा पॉइंट आपको देखने को मिला, ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को मिला, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट देखने को मिला जो हमने पहले क्लास में कवर ना करा रखा हो? नहीं सर, ऑल द कॉन्सेप्ट्स वर कवर्ड, ऐसा कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था एग्जाम। ओके ओके ओके। यशिका, एसीसी प्लेटफॉर्म का कितना रोल है? सर, ACCA प्लेटफॉर्म का बहुत ज्यादा रोल है। अगर हम ACCA प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस एज मच एज वी कैन ऑन ACCA प्लेटफॉर्म। बेटा प्लीज इस बात को नोट कर लें, और मैं हमेशा हर वीडियो में बात बोलता हूँ कि ACCA प्लेटफॉर्म का ना बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अल्टीमेट हमें एग्जाम उसी पे देने हैं। अब कई स्टूडेंट यहाँ पे क्या गलती करते हैं, जैसे वो प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं ना, तो किसी भी एक क्वेश्चन में अगर उनको ज्यादा टाइम लग जाता है, उनको लगता है मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, वो फिर कॉपी पेन उठा लेते हैं। लेकिन
वो इस बात को भूल जाते हैं कि अल्टीमेट पेपर ना हमें इसी प्लेटफॉर्म पे देने हैं। और मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूं, अगर आपने ढंग से ना जो आपके बड़े चैप्टर हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जहां से आते हैं, SFS, CFS और आपका रेसो, अगर आपने ढंग से ना 4 से 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना प्लेटफॉर्म पे ना, फिर आप देखना आपकी स्पीड कितनी अच्छी हो जाएगी और आपको ना प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन करने में ज्यादा मजा आएगा इन कंपैरिजन टू आप जो कॉपी में लेकर बैठते, उससे ज्यादा मजा आएगा आपको अगर आप प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करते हैं। यसिका, आपने टोटल कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी प्लेटफॉर्म पे, जो बिग क्वेश्चन है? सर जितने भी क्वेश्चंस स्टडी हब में थे, क्योंकि मैंने पीपीपी कैप्टन से स्टडी नहीं करी है, मैंने स्टडी हब को ही रेफर किया था, सो जितने भी कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चंस थे स्टडी हब में, उतने क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस करे थे। मैंने बस ये करा था, मैंने इनिशियली एक्सेल पर प्रैक्टिस करना शुरू करा था। तो क्वेश्चंस बहुत जल्दी हो रहे थे बिकॉज एक्सेल पे कमांड था, स्प्रेडशीट पे थोड़ा डिफरेंट होता है, सो आई वुड रिकमेंड कि आप स्प्रेडशीट पे करो रेदर देन एक्सेल। मतलब आप ये रिकमेंड करोगे ना कि हमें प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन करने चाहिए इन कंपैरिजन, मतलब ना कि उस पे एक्सेल पे भी ना, क्योंकि जो एक प्लेटफॉर्म का सेटअप है ना वो थोड़ा सा एक्सेल से डिफरेंट होता है। अच्छा, इसी का एग्जाम के अंदर जो आपने पेपर सोल्व किया उसका पैटर्न क्या रखा आपने, पहले यूनिट ए की, यूनिट बी की, यूनिट सी की? यूनिट ए, बी, सी, आप उसी प्रोसेस से चले, राइट? कोई सजेशन आपका एग्जाम को लेके कि स्टूडेंट को ये पैटर्न फॉलो करना चाहिए? सर इट डिपेंड्स, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। अगर आपकी स्ट्रेंथ है कि आप जल्दी जल्दी एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो एंड देन आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन, तो आप वैसे करो, डिपेंड्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पे। ओके ओके ओके। यसिका, आपने टोटल कितने मॉक टेस्ट दिए थे? सर मैंने 2 मॉक टेस्ट दिए। ओके, आप क्या सजेस्ट करोगे मॉक टेस्ट के रिगार्ड में? सर मॉक टेस्ट देना इम्पोर्टेंट होता है, एग्जाम से पहले आपको आइडिया हो जाता है कि एग्जाम्स कैसा आएगा, उसका पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा और हम कितने टाइम में कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है हमको। ओके, इसी का एक बात होता है ना, जैसे अगर आपने अप्रैल के लास्ट वीक से अपनी स्टडी स्टार्ट की थी, ठीक है, वहां से लेके और टिल योर एग्जाम, अगर मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूं टाइम को ना, एक जब आप क्लासेस देख रहे थे, एक जब आप क्लासों के बाद रिवाइज कर रहे थे और एक एग्जाम से पहले 2 या 3 डेज, आपके हिसाब से कौन सा टाइम ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट के लिए ना? सर मेरे हिसाब से तो लास्ट का टाइम होता है वो बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि उसमें आप जितना ज्यादा क्रैप्स कर पाते हो, जितना ज्यादा रिवाइज कर पाते हो, उतना ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं हम, सो द लास्ट वीक और लास्ट टाइम इज वेरी इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर स्टूडेंट ने पहले पढ़ रखा होगा, लास्ट टाइम वो रिवाइज नहीं कर पाया तो उसका फायदा नहीं होगा, राइट? हाँ सर। अच्छा, ऐसी का एक बात और बताना, स्टूडेंट ना जैसे एग्जाम आते हैं ना, हमसे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इम्पोर्टेंट चैप्टर बता दो, और मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि आपको पूरा सिलेबस करके जाना चाहिए, क्योंकि हर कंटेंट जो भी इंस्टीट्यूट ने दे रखा वो सारा इम्पोर्टेंट है। और इवन ना कई स्टूडेंट थ्योरी छोड़ के जाते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ थ्योरी करके जाइए, क्योंकि ना जो एमसीक्यू आते हैं आपके थ्योरी बेस्ड भी एमसीक्यू आते हैं। यसिका, इस पे क्या गाइड करोगे आप स्टूडेंट को कि क्या हमें पूरा सिलेबस करके जाना चाहिए, कुछ पार्ट छोड़ के जाना चाहिए? अगर आप पूरा सिलेबस करके जाओगे तो बेनिफिट है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, एग्जाम में ऑप्शन तो होता नहीं है हमारे पास, तो पूरा ही सिलेबस करके जाना चाहिए। देन ऑल्सो इट डिपेंड्स कि भाई आपके पास टाइम बहुत कम है, देन प्रोबेबली आप सोच सकते हो कि मैं इतना कवर करके चला जाता हूँ। लेकिन एंड अगर बच्चा सिलेबस पूरा करके जाएगा ना, तो उसका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, उसको लगेगा कि हाँ वो मोटिवेट रहेगा अपने सिलेबस को लेके ना, कि हाँ मैं इसको कंप्लीट किया मैंने तो एग्जाम मेरा अच्छा जाएगा। यस सर। हाँ जी बेटा, प्लीज कंटिन्यू। यस सर, अगर आप ऑफ कोर्स पूरा सिलेबस करके जाओगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, एज कम्पेयर टू आपने कम सिलेबस करा है तो आप कम परफॉर्म कर पाओगे। बेटा कोई ऐसा चैलेंज जो आपने फेस किया हो, और अगर कोई चैलेंज फेस किया हो तो उसे कैसे आपने हैंडल किया? सर चैलेंज जो मैं फेस करती थी वो था रिगार्डिंग, मैं बहुत जल्दी टायर्ड हो जाती हूँ और बहुत जल्दी मैं इंटरेस्ट लूज कर देती हूँ, सो दैट वाज समथिंग वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। तो उसको मैनेज कैसे करते रूटा फिर आप? सर शॉर्ट ब्रेक्स लेना, दैट वाज समथिंग, मैंने काफी ज्यादा पढ़ना शुरू करा अबाउट ब्रेन एंड इमोशंस एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स, हाउ वी फंक्शन एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स, वहां से मेरे को काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिली
कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ऐसा कुछ करना चाहिए, अगर हम एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं तो हमको वॉक करते जाना चाहिए, अगर इंटरेस्ट लूज हो रहा है तो प्रोबेबली फैमिली से बात करनी चाहिए, फ्रेंड से बात करनी चाहिए, विच रियली हिट मी अ लॉट। ओके 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 बेटा, आपने सारे क्वेश्चन का आंसर बड़ी ईमानदारी से दिए। आपकी साइड से स्टूडेंट को कोई फाइनल मैसेज? सर वन थिंग विच इज अनरिलेटेड टू स्टडीज और प्रोबेबली एफआर इज वन हैज टू फिगर आउट फॉर देमसेल्फ व्हाट इज देयर स्ट्रेंथ व्हाट इज देयर वीकनेस। आपके लिए कितने घंटे की स्लीप इनफ है, आपको कितना, आपके लिए व्हाट वर्क्स फॉर यू एंड आपका मोस्ट एफिशिएंट व्हेन यू आर, वन हैज टू फिगर आउट कि आप लॉन्ग पीरियड के लिए बैठ सकते हो या शॉर्ट पीरियड के लिए बैठ सकते हो, वन हैज टू फिगर आउट फॉर देमसेल्फ। हम वीडियोस देख के किसी से एडवाइस लेके फिगर आउट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट टेक इट, हमको खुद से ही वो चीज समझनी पड़ती है। मींस सेल्फ एनालिसिस, यस सेल्फ एनालिसिस एंड सेल्फ आइडेंटिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। थैंक यू यसिका, आपने अपना टाइम दिया, थैंक यू सो मच।